उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता और सबसे बड़ा राजनीतिक आइकन मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि में मौजूद क्यों नहीं थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या ये उनके पहले के तय कार्यक्रमों की वजह से हुआ था या योगी उसकी आड़ में अंत्येष्टि से दूर रहे। स्वयं मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने और 3 दिन के राजकीय शोक रखने का ऐलान किया, लेकिन वो खुद उस अंत्येष्टि में मौजूद नहीं थे। क्या ये महज संयोग था या सोच समझकर किया गया था, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बता दें कि लंबी बीमारी के बाद सोमवार की सुबह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। मंगलवार को उनकी अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सैफई में हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, वे उस समय दूसरे कार्यक्रम में मौजूद थे जहां उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री लखनऊ से वाराणसी होते हुए छपरा गए। वे छपरा स्थित सिताबदियारा गांव गए। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की जन्मशती पर उनके गांव सिताबदियारा में एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। वे शाम को वाराणसी लौट आए। योगी आदित्यनाथ इस कारण सैफई नहीं गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कार्यक्रम अंतिम समय में टाला नहीं जा सकता था। क्या ये अच्छा नहीं होता कि मुख्यमंत्री स्वयं सिताबदियारा ना जाकर किसी दूसरे मंत्री को भेजते और खुद सैफई चले जाते। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही गुजरात में एक जनसभा के दौरान ही मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर मिलने पर सार्वजनिक रूप से शोक जताया था और उनसे अपने संबंधों की बात कही थी। योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को ही मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से मुलाकात की और शोक जताया था, लेकिन वे खुद अंत्येष्टि के समय मौजूद नहीं थे और इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।